पालक वाली पंचकुटी दाल, इसको हमने बनाया है हांडी में और इसकी खुशबू और स्वाद है लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंचकुटी दाल। पंचकुटी मतलब पांच कुटी हुई दालें। इसको पंचमेल या पंचरत्न भी कहा जाता है। पंचमेल क्योंकि पांच दालों का मेल है या मिलन है, और पंचरत्न मीनिंग फाइव जेम्स, पांच तरह के रत्न है। क्योंकि हाई प्रोटीन दालें हैं ये, इसीलिए इनको इस तरीके का नाम दिया गया। ये देखिए, मैंने एक घंटा पहले इनको वार्म वाटर में धो के और वार्म वाटर में ही भिगो के रखा था। तो यहाँ पर मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, चना दाल है, अरहर की दाल है, उड़द धुली, मसूर धुली, और यहाँ पर मेरे पास है मूंग धुली। तो ये पांचों दालें हैं जो मैंने भिगो के रखी थी, और अब हम इनको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं हांडी का यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ हांडी। आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी हांडी में इतनी थोड़ी सी दाल, अब हम लोग हैं ही दो, लेकिन हांडी बाई चांस हमने बड़ी सी ले ली थी, तो इसीलिए बड़ी सी हांडी में हम दाल बना रहे हैं। तो डालती हूँ मैं ये दाल हांडी में। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा पानी नहीं लिया था, पर ये पानी थोड़ा तो कम ही है दाल बनने के लिए, क्योंकि हांडी में दाल बनने में टाइम लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कितना पानी है इसमें। देखिए, आम तौर पर दालों में क्या है कि तकरीबन छह गुना पानी डलता है। मैंने अभी खाली तीन गुना ही डाला है, क्योंकि अभी हम इसको हांडी में बस पकाने के लिए डालेंगे, गलाने के लिए, और उतना ही पानी डालेंगे कि ये ऑलमोस्ट पानी खत्म हो जाए, और बाद में ग्रेवी उसकी बनाएंगे। और ये दाल वैसे भी बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती। तो मैं इसको गैस पर चढ़ा रही हूं। इसमें मैं डाल दूंगी नमक। तो देखिए, पूरी तरह से नमक स्वाद अनुसार पूरा नहीं डाल रही मैं, इसमें मैं आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूं खाली, और फिर इसको मैं ढक के पकाऊंगी। ढक्कन लगा दिया हमने इसका, और अब इसको हम पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। बाय चांस अगर पानी कम पड़ा तो हम पानी उबाल के डालेंगे इसमें, और डायरेक्ट नहीं डालेंगे। तो अब इसको बनने देते हैं आराम से। मीडियम सेक पे रखा हुआ है मैंने, तेज सेक नहीं करूंगी अभी। इनफैक्ट तेज सेक है क्योंकि मुझे इसको एक प्रेशर कुकर ही याद रहता है, पानी को बॉयल करना है। तो पानी बॉयल हो जाएगा एक बार तो फिर मैं इस सेक को मीडियम कर दूंगी। तो अब ये दाल के पकने तक वेट करते हैं, बीच बीच में आके हम चलाते रहेंगे इसको, और एक बार जब ये गल जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे इसको। तो फूडीज देखिए, ये ऑलमोस्ट 90% दाल हो गई है। ये देखिए गली हुई है, सॉरी, मैं इसमें ये आधा कप पालक डाल रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट, सिर्फ आधा कप ही है देखिए। और इसको अब मैं मिक्स कर दूंगी, और मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी बॉईल करना रख दिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि पानी हम उतना ही डालते हैं जितना इसमें दाल में खत्म हो जाए। देखिए दाल गल गई है, देखिए कितने अच्छे से, ये देखिए। अब ये दाल हमारी ऐसी होती है कि बाकी दालें तो गल के बिल्कुल रल जाती है, और चने की दाल जो है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है, तो ऐसी हमें चाहिए थी। तो अब हमने पालक डाल दी है, पालक डाल के भी 5-7 मिनट तक इसको पकाएंगे बस, क्योंकि पालक जल्दी से हो जाती है। तब तक ये कम सेक करके इसको ऐसे बना लेंगे, तब तक ये पानी भी देखिए उबल रहा है अभी, तो वो भी डाल देंगे हम साथ साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट दाल हो गई है और ग्रेवी भी चाहिए होगी, तो हम इसकी तरी बनाएंगे तो तब हम इसमें पानी भी डाल देंगे। अभी इसको पालक को होने देते हैं थोड़ा सा ढक के, ये ढक दिया मैंने, ये पानी भी देखिए उबलने वाला है, और हम अभी साइड में तब तक तड़का बना लेते हैं, ये पानी उबल जाए तो उसको हटा के। तो देखिए, मैंने दाल दूसरी साइड में शिफ्ट कर दी है, यहाँ मैंने तड़के की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये मैंने यहाँ पर एक चम्मच देसी घी ले लिया है, काऊ घी यूज करते हैं हम, आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं।
और मैं इसको घी को थोड़ा सा पिघाल के और फिर इसमें तड़का डालूंगी। देखिए जब तक घी पिघल रहा है यहाँ पर मैंने ये ढक्कन हटा रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट पानी खत्म हो गया है और जो मैंने पानी साइड में बॉईल करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। पूरा पानी नहीं डाला है मैंने क्योंकि शायद पूरा पानी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग, क्योंकि हींग तड़के में नहीं डलेगी, डायरेक्ट दाल में ही डलेगी। एक चौथाई चम्मच जितनी हींग डाल रही हूं मैं। और आधा चम्मच जितना डाल दूंगी गरम मसाला। मिक्स कर देंगे इसको। और जब तक तड़का बन रहा है तब तक इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी। तो दोबारा ढक्कन लगा दूंगी और सेक तेज कर दूंगी। और ये घी मेरा पिघल गया, अब हम दूसरी साइड में बना लेंगे तड़का। एक चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा तड़कने लगेगा तो फिर उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च। बस खाली आधा सेकंड हरी मिर्च करके और फिर हम टमाटर बीच में डाल देंगे। हल्का सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि ये पक जाए टमाटर जल्दी से। नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है। पर अगर आपको याद हो हमने थोड़ा सा कम डाला था तो इसीलिए इसको गलाने के लिए नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। इनफैक्ट मैं तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी गलता है। तो एक चौथाई चम्मच जितनी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल देंगे। अब टमाटर को गलने देंगे और जब तक ये टमाटर गल रहे हैं जो हल्दी और सूखा धनिया था वो हमने डायरेक्ट दाल में डालना था तो वो डाल देते हैं ढक्कन हटा के। एक चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी। और एक चम्मच डाल देंगे सूखा धनिया। मिक्स कर देंगे इसको और दोबारा ढक देंगे। ये देखिए ये टमाटर हो गए हैं, बहुत बहुत ज्यादा मैश भी नहीं करने हमें क्योंकि थोड़े से दाल में पकेंगे
तो अब हम इसको दाल में ट्रांसफर कर देंगे। मिक्स कर दिया और अब दाल को अच्छे से रलने तक हम पकाएंगे। ऑलरेडी दाल गल चुकी है बट इसको पानी क्योंकि हमने बाद में और डाला है तो उसको रलाना जरूरी है, तो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। दाल अच्छे से पक गई है तो अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। गार्निश करने की जगह हम इसी में डाल रहे हैं ताकि एक दो मिनट धनिया भी पक जाए। और हिलाऊंगी नहीं इसको, मैं बस धनिया डाल दिया है और मैं ढक्कन लगा के और गैस बंद कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा धनिया की खुशबू फैल जाएगी इसमें, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो लीजिए हमारी पंचकुटी दाल जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। साथ में आप देखेंगे हमने हींग और जीरे वाले छिलके वाले आलू बनाए हैं, रोटी के साथ सर्व करेंगे इसको। तो ये तंदूरी रोटी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगती है, आप तवा रोटी या पराठों के साथ भी इसको खा सकते हैं, चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट हमें इसका तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट लगता है तो हम वैसे ही खाना पसंद करेंगे। तंदूरी रोटी भी हम घर में ही बनाएंगे, बिल्कुल जैसे तवे पे रोटी बनती है ना वैसे ही बनाते हैं। अब बस इसको एक साइड से पानी से गीला कर लीजिए और तवे पे डाल दीजिए रोटी बेल के, तो बिल्कुल तंदूरी रोटी जैसी ही बन जाएगी दोनों साइड से पानी डाल के सेकेंगे तो। तो आपको दाल की रेसिपी के साथ साथ मैंने साथ के साथ ही तंदूरी रोटी की रेसिपी भी बड़ी आसान से शब्दों में समझा दी। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए हमारा वीडियो। लाइक नहीं करते आप तो मजा नहीं आता यार, लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया अब तक तो देखते रहिए। और हर बार नई रेसिपीज देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को मत दबाना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।